दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन खोजने में दिन रात लगे हुए हैं। कुछ देशों को शुरुआती सफलता मिली तो कुछ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं मिल पाया है। कई विशेषज्ञ वैक्सीन मिलने तक इस वायरस के साथ जीने की बात कह चुके हैं। इस बीच वायरस हंटर के नाम से मशहूर अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट इयान लिपकिन ने कहा है कि अगले साल तक इस वायरस का वैक्सीन मिल सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इयान लिपकिन कौन है। इयान लिपकिन अमेरिका के मशहूर वायरोलॉजिस्ट यानी वायरस पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर हैं, जिन्हें दुनिया भर में वायरस हंटर के नाम से पहचाना जाता है। कोरोना वायरस फैलने के बाद डॉक्टर लिपकिन जांच करने के लिए चीन गए थे और इनका मानना है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से नहीं निकला बल्कि चमगादड़ से ही निकला है। इनके इस बयान के बाद से ये काफी चर्चा में आए थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर लिपकिन वायरस फैलाने वाले 500 से ज्यादा तरीकों को दुनिया के सामने ला चुके हैं। मार्च 2020 में डॉक्टर लिपकिन को कोविड-19 बीमारी होने की बात सामने आई थी, लेकिन अब डॉक्टर लिपकिन रिकवर हो चुके हैं। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में लिपकिन ने कहा कि किसी भी प्रकार का वैक्सीन बनाने में वक्त लगता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 2021 के अप्रैल तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत दुनिया के तमाम दिग्गज देशों के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं। लिपकिन ने यह भी कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, यह कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लिपकिन ने कहा कि तब तक इस बीमारी से बचने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वायरस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। भारत में लॉकडाउन के सवाल और सोशल डिस्टेंसिंग पर लिपकिन ने कहा कि यह अच्छा आइडिया है, लेकिन आपको नियमों को मानना होगा। जब खाना खा रहे हैं तो उस वक्त मास्क को नहीं पहन सकते, लेकिन जब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। ऑफिस जाने के सवाल पर लिपकिन ने कहा कि अगर आप प्राइवेट रूम में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल लोग इसलिए भी ऑफिस जाना चाहते हैं ताकि वे अपने सहकर्मियों से बात कर सकें, लेकिन इसके लिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। कॉन्फ्रेंस रूम में लोगों के बीच 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, साथ ही मास्क पहनना होगा। यह वायरस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, हम इससे जीत जाएंगे। लिपकिन ने विमानों में यात्रा के सवाल पर कहा कि यह संक्रमण के लिहाज से ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ऐसे में अब कोरोना वैक्सीन और दवा की खोज तेज हो गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।